नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। मैं हूं भावेक सचदेवा और आज थोड़ा वेस्ट साइड घूमते हैं, जैसे कि यहां के जो मॉल्स हैं आज वो कवर करते हैं। पहले मैं जा रहा हूं अभी सुभाष नगर वाले पैसिफिक मॉल, टैगोर गार्डन में जो पड़ता है, और उसके बाद शायद मैं द्वारका भी जाऊँ वेगस मॉल के लिए, वहाँ पर भी थोड़े बहुत इवेंट्स हैं वो भी देखेंगे। और मेरे को सुभाष नगर पहले इसलिए जाना पड़ रहा क्योंकि मेरे LIC के क्लाइंट हैं जिनको मैंने जिनसे साइन लेने हैं दो चार, और डॉक्यूमेंट भी एक लेना है, तो वो जैसे ही मिलता है फिर पहले सुभाष नगर देखूंगा, उसके बाद आई विल गो टू द्वारका। मेरे क्लाइंट से साइन लेने थे दो चार जगह, लेकिन मैं जैसे घर से निकलूँ तो मेरे को पता लगा यार मैं पेन तो साथ में लाया नहीं हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर सुभाष नगर मॉल पहुँचाऊँ, सामने वो आंटी आपको पीछे दिख रही है वो पेन बेच रही थी, मतलब घुसते ही जैसे ही मैं सुभाष नगर ये मॉल जो है इसमें स्टेप इन करूँ, सामने मेरे को ये आंटी दिख गई और मैंने आंटी से ये पेन लिया है 10 रुपये का। तो देखिए कैसे चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है ना, मैं पहले वो हो रहा था, मैंने कहा यार पेन कहाँ से लूँगा, किससे मांगूंगा किससे नहीं मांगूंगा, और देखिए आंटी पहले खड़ी थी पेन लेके मेरे लिए। मैं पहुँच चुका हूँ सुभाष नगर मॉल, पैसिफिक मॉल इसको कहते हैं, वेस्ट साइड पर पड़ता है ये, और यहाँ पर सुनने में आए यहाँ पर अंदर डायनासोर आए हुए हैं, तो अब राइनासोरस को डायनासोरस से मिलाते हैं। चलिए अंदर, मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से करीब 7 साल बाद आ रहा हूँ, जब मेरे स्कूल का फेयरवेल था तब मैं शायद यहाँ पर आया था लास्ट बार, और अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जिस डायनासोर की मैं बात कर रहा था वो ये रहा, ये देखिए काइंड ऑफ इन्होंने वो बना रखे हैं रियल। ये तो जिराफ का भी पापा लग रहा है। तो एक मॉल जो है अपनी क्रिएटिविटी के लिए बहुत जाना जाता है, ये पीछे इन्होंने बहुत सारे डायनासोर्स जो हैं उनकी ये सारे मॉडल्स बना रखे, रोबोटिक मॉडल्स हैं, ये चल भी रहे हैं, और ये पीछे जिराफ का बड़ा भाई। नाम इनके बहुत मुश्किल हैं, मैं ये नाम पढ़ के दिखाता हूँ, लिखा है डाइलोफोसोरस, एक लिखा है ब्रचियोसोरस। अच्छा जी, हमको तो आमरस के बारे में पता था, ये सोरस क्या है, वो वाला जो है वो बड़ा खतरनाक सा बना रखा है इन्होंने, उसका नाम देखते हैं जाके क्या है, उसका नाम इन्होंने नाम ही नहीं है, नाम हटा रखा है, नाम मुड़ गया हुआ है उसका। ये इन्होंने इनका जंगल बना रखा है, ये इनका टूटा अंडा और वो आग निकाल रहे हैं, ये इन्होंने कैक्टस बना रखा है। अच्छा वहाँ पर बैठ के खा भी सकते हैं, अच्छी बना रखी डेकोरेशन। ये जो है पैसिफिक मॉल, यहाँ पर बहुत सारी ये मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे अभी पीछे दशहरा था तो यहाँ पर राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की भी फोटो थी। ओए होए होए, ये क्या कर रहा है बेशरम, मुझे देख के पूंछ ला रहा अपनी, ये पूंछ ला रहा है, इसको पार्ले जी तो नहीं डालना कहीं, हाँ बस ये डर है पार्ले जी डालूंगा पप्पी ना ले ले मेरी। ये देखो ये कितना फिट लंबा होगा यार, ये ह्यूज। यहाँ पर रोरिंग क्रिसमस का ये फेस्टिवल चल रहा है, रोरिंग क्रिसमस एट पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन दिल्ली। उसमें एक एडवर्टीजमेंट थी जिसमें कि इसके बारे में एडवर्टाइज कर रखा था कि मतलब यहाँ पर आके अपनी स्पेशल मेमोरीज शेयर करनी है और आपको प्रॉमिस्ड गिफ्ट कार्ड मिलेगा ऑन दी स्पॉट। तो आई हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग विद द मैनेजमेंट एंड टैगिंग पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन, और अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ अपने गिफ्ट कार्ड के लिए। उनके फेसबुक पेज पे भी आई हैव मैसेज्ड, आई हैव टैग्ड देम इन दी कमेंट सेक्शन आल्सो, और अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या मुझे वो गिफ्ट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। गिफ्ट कार्ड मिले ना मिले, डेकोरेशन इज़ गुड, इन्वायरमेंट इज़ गुड, अपने फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं लोग सारे यहाँ पर, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनको पहले ये सोचने में ही टाइम लग रहा है कि इज़ इट रियल और नॉट। बाकी अच्छा खर्चा कर रखा है, इट इज़ अ गुड टेक्निक, मार्केटिंग टेक्निक टू ल्योर पीपल टू कम टू पैसिफिक मॉल। और एक बार अगर कोई बंदा आता है तो कुछ ना कुछ, देखो अगर ना भी खरीदे तो पार्किंग के पैसे तो मिल ही रहे हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ बंदा खरीदता ही है और खाता ही है, ऊपर फूड कोर्ट भी है, अभी ऊपर भी चलेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगा के आई हैव गॉट अ 500 रुपीज़ वाउचर जो कि है दरियागंज का, दिस वन आई हैव गॉट दी वाउचर दरियागंज। ये एक रेस्टोरेंट है बाय दी इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी, ये मैंने दिल से फूडी की वीडियो में देखा था ये, और ये जो है वैलिड है
until 30th April 2021 22 sorry and this is worth 500 rupees. तो वहाँ पर जितना भी मेरा खर्चा आएगा, जितना भी खर्चा आएगा उसमें से 500 रुपीस का डिडक्शन हो जाएगा एंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट. मैंने क्या करा, मैं गया हेल्प डेस्क पे. मैं सबसे पहले गार्ड से पूछा, मैंने कहा सर यहाँ पर मैनेजमेंट कौन है? उन्होंने कहा कि वहाँ पर आप हेल्प डेस्क पे चले जाइए. मैंने वहाँ पर जाके वो लेडी से पूछा, मैंने कहा मैम मैंने ऐसे ऐसे ये फॉलो करे हैं स्टेप्स एंड नाउ आई नीड दी वाउचर. ठीक है जी. उन्होंने अपने सीनियर को कॉल करा, उन्होंने कहा कि आप उनसे पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट देख लीजिए और आपको मिलेगा 500 रुपया का वो गिफ्ट वाउचर एंड आई हैव गॉट दिस. वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे लाइक क्रॉक्स का था और ये दरियागंज का था और एक दो फूड रेस्टोरेंट्स के और था एंड एक दो चीज़ें और थी. मेरा पहले भी मन था दरियागंज जाने का, तो मैंने छूटते ही मैंने ये सिलेक्ट करा एंड आई हैव दी वाउचर नाउ वर्थ 500 रुपीज़. अब आ रहा मजा घूमने में, लेट्स एंजॉय और देखते हैं पैसिफिक मॉल साहब. अब चलते हैं नीचे. ये मार्केट 99 मैंने जोरावर सिंह की वीडियो में देखा था. मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पर आ रहा हूँ. यहाँ सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो. वैरायटी है यहाँ पर, बहुत बड़ा मॉल है एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर टू चूज़ फ्रॉम एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यार देखो मैंने ज़रा सा सिर्फ एक एफर्ट डाला है एंड आई हैव गॉट 500 रुपीज़, मतलब कैश ही समझ लो यार. अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको कम से कम मतलब 1000 रुपया तो बिल आ ही जाता. अब इसमें क्या हुआ है कि 1000 रुपया हम खर्चेंगे तो उसमें से हमें 500 रुपीज़ वापस मिल जाएगा. 500 रुपीज़ इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सिंपल एफर्ट डालने से इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग तो आई थिंक इट्स गुड टू डू दैट एफर्ट. मेरा सामने लिखा है वेफल कॉफ़ी, इनसे पूछते हैं वेफल का क्या रेट है फिर लेते हैं. तो ये मैंने आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ वेफल, तो अच्छा बनाएंगे नहीं बनाएंगे? देखो सर हमारी तरफ से तो कोशिश रहती है कि अच्छा बने, कस्टमर खुश है दोबारा आए हमारे पास. अच्छा, तो सर कह रहे हैं कि भाई हम अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा बनाएंगे, बाकी बंदे के टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कैसा लगता है. तो चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी आई हैव ऑलरेडी ट्राइड, मतलब जो ये फ्लेवर्स हैं हमें पता है, लेकिन अब जो है ये ब्लूबेरी वेफल सिंगल हम ट्राई करते हैं. ठीक है जी. और इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मुझे वेफल ट्राई करना था तो मैं वो कर रहा हूँ. और कुछ ऐसा है यहाँ पर माहौल, ये फूड कोर्ट है पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन का. कहीं जगह मिल जाती है तो फिर वहीं बैठते हैं और ट्राई करते हैं अपना सारा. अपना ब्लूबेरी वेफल जो है ऑर्डर कर दिया है. मेन्यू में 125 का था एंड आफ्टर टैक्सेस ये मुझे पड़ा 131.26 का. कैश पेमेंट इन्होंने नहीं ली, पेटीएम एंड फ़ोन पे दे डू नॉट एक्सेप्ट, तो इन्होंने डेबिट कार्ड मेरा एक्सेप्ट कर लिया. और अब वेट कर रहा हूँ मैं. सामने बोरा गोला सिजलर्स है नाम इसका, गोला सिजलर्स है नाम इस काउंटर का, इस शॉप का. और अब हम वेट कर रहे हैं वेफल की. हम क्या, मैं अकेला वेट कर रहा हूँ यहाँ पर. आज मैं अपने साथ डेट पे आया हूँ. अभी खाते हुए मैं ये ट्राईपॉड पे लगाऊँ. तो ये मेरा ऑर्डर आ चुका है, ये ब्लूबेरी वेफल है एंड दिस इज़ मतलब 1/4 ऑफ अ फुल वेफल, मतलब एक पूरा जो राउंड सर्कल होता है उसका 1/4 हिस्सा ये एंड दिस इज़ फॉर 131 रुपीज़. प्रेजेंटेशन अच्छी है, ब्लूबेरी फ्लेवर है. नाउ आई विल ट्राई दिस. तो जो पहला एक्सपीरियंस मेरा रहा है वेफल खाने का वो इतना कुछ खास नहीं रहा. क्यों? क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो वेफल है थोड़ा वॉर्म होगा. वॉर्म था लेकिन आई वॉन्टेड इट मोर वॉर्म, क्योंकि जो आइसक्रीम है और जो वेफल है, आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी होती है एंड वेफल थोड़ा वो होता है, वॉर्म होता है, तब उसको ज़्यादा खाने में मज़ा आता. लेकिन अच्छा, मैंने ब्लूबेरी वाला ऑर्डर ये सोच के करा कि भाई चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी तो हमने पहले ही ट्राई कर रखा है, तो लेट्स ट्राई ब्लूबेरी फ्लेवर. अच्छा, ब्लूबेरी का टेस्ट जो फ्लेवर आ रहा था वो बिल्कुल वैसा आ रहा था जो किसान जैम होती है, बिल्कुल वैसा फ्लेवर था. और बहुत हद से ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा था, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे. ज़रूरी नहीं हर एक्सपीरियंस जो हो वो आपका अच्छा ही हो. यहाँ पर द बियर कैफ़े भी है, ये फूड कोर्ट से थोड़ा
ऊपर आके बिरयानी ब्लूज भी है। अच्छा हाँ, जो मेरे को कूपन मिला है उसमें बिरयानी ब्लूज का भी ऑप्शन था, तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि सिर्फ बिरयानी देख के। लेकिन दरियागंज रेस्टोरेंट के बारे में मैंने पहले सुना था, तो इसलिए मैंने वो वाला कूपन वाउचर चूज़ करा। अब थोड़ा और घूमते हैं, फिर उसके लिए उसके बाद मैं निकलूँगा द्वारका के लिए, फिर द्वारका चलेंगे वेगस मॉल, फिर वहाँ बनाएंगे वीडियो अपने एक्सपीरियंसेस की। दिस इज स्पेसिफिक मॉल टैगोर गार्डन। अच्छा बाहर भी वो देखिए, बाहर भी जो है लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, सिर्फ अंदर ही नहीं, कि मतलब जैसे ठंड है तो मतलब बाहर बैठ के भी आई थिंक खाया जा सकता है। अब टैगोर गार्डन पैसिफिक मॉल को टाटा बाय बाय करते हैं। यहाँ मैं अकेले ही आया हूँ और इन्जॉय मैंने कर लिया है अच्छे से, और आया तो आया, साथ में मुझे वो वाउचर भी मिला, दैट वॉज दी आइसिंग ऑन द केक, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर जैसे पैसिफिक मॉल वाले जो हैं, या कोई भी आजकल मॉल्स में ट्रेंड है कि जो भी एक बड़ा कोई ओकेजन या फेस्टिवल आता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग वहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। एंड जैसे मैं आया, मैंने फ़ोटो खिंचवाई, फेसबुक पे डाला, उनकी एक वो हुई, एडवर्टीज़मेंट हुई, मार्केटिंग हुई। मैंने यहाँ पर वेफल भी खाए, तो जो इनका फूड कोर्ट था उनको एक सम अमाउंट ऑफ इनकम आई। तो ये यूनिट्स जो हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जब ज़्यादा नंबर पे हो जाती हैं वो होती है इनकी मोटी कमाई। तो अब हम चल रहे हैं द्वारका वेगस मॉल की तरफ, फिर वहाँ पर फन कार्निवल बाय मैकडोनल्ड्स है, उसके इवेंट्स अटेंड करूँगा मैं। पीछे से आ रही है मेट्रो, अब मैं निकलूँगा सेक्टर 14 के लिए, सेक्टर 14, और सेक्टर 14 के पास ही है वेगस मॉल। वेगस मॉल चलते हैं, फिर वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करा है मैकडोनल्ड्स ने, फन करके कुछ इनका इवेंट है जिसमें परफॉर्मेंसेस भी होंगे, इवेंट्स भी होंगे, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ इन्जॉय करते हैं।